तो ये देखें, हमने मेथी को हार्वेस्ट कर लिया है, तो पीछे से ये बची है। तो इसको हमने पूरा जड़ समेत नहीं खाड़ा, हमने इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हमने इसको काटा है। तो देखेंगे ये कब तक हमारे पास रमज़ान तक हो जाती है कि नहीं हार्वेस्टिंग के, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। हमने इसको जड़ समेत नहीं उखाड़ा क्योंकि हमें नेक्स्ट हार्वेस्टिंग चाहिए थी। तो अगर इसको ज़्यादा पानी दें ना तो इसकी जड़ें गल जाती हैं। मैं आपको एक उखाड़ कर दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इसकी बस यही जड़ है, बाकी सारी इसकी जड़ गल गई। तो यहाँ मैंने ऊपर नेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर धूप भी नहीं आती इतनी, तो धूप से ना ये इनके पत्तों पे ना झुलसाव आ जाता है। तो मैंने नेट लगा दिया ऊपर, ये जाली टाइप, तो इसकी वजह से सूरज की रोशनी भी नहीं आती ज़्यादा, मतलब धूप नहीं आती, रोशनी तो आती है, धूप बहुत कम आती है। तो इसकी वजह से फिर मिट्टी जल्दी सूख नहीं रही, जिसकी वजह से इसकी जड़ें गल रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको धूप में रखूँ, अब इसको पानी भी नहीं हमने ज़्यादा देना, नहीं तो पानी की वजह से ये और जल्दी गल जाएगा, तो ये बिल्कुल भी रमज़ान तक हमारे पास सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।